नगर निगम का तोहफा देने के बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज पहली बार सोलन पहुंचे। सोलन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर निगम संघर्ष समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद भी दिया। सोलन में उनके द्वारा कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सोलन मंडल और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत की अध्यक्षता में चल रही नगर निगम संघर्ष समिति की मांग पर सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सोलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते शहरों में बेतरतीब विकास ना हो, सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। हिमाचल के शहर आदर्श शहर बनकर उभरे, ये उनका प्रयास रहेगा। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों, भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों और संघर्ष समिति के मांग पर मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के कारण सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में केंद्र सरकार शहरीकरण और विकास पर ज्यादा बल दे रही है और शहरों के विकास के लिए अधिक धन राशि भी उपलब्ध करवा रही है। यही कारण है कि हिमाचल में जो शहर विकासशील हैं, उन्हें नगर निगम में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला के आसपास के क्षेत्र बेहतरतीब ढंग से विकसित हुए, जिसकी वजह से आज उन क्षेत्रों में आने जाने और सड़कों को भी बेहद समस्या है। अगर उस समय शिमला के आसपास के क्षेत्रों में सख्त नियम होते तो वे क्षेत्र भी आज बेहद तरतीब में होने थे। वे चाहते हैं कि सोलन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। यही कारण है कि सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। सोलन बहुत एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो बिल्डर्स के द्वारा भी कॉलोनीज बनी है। बहुत सारे यहाँ पर नए लोग जो इधर उधर से आकर के यहाँ पर बस रहे हैं, क्योंकि सोलन का क्लाइमेट जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत जो है वो अच्छा क्लाइमेट माना जाता है। ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना सर्दी है, बर्फ़ के टाइम बर्फ़ मिल जाती है, सर्दी के टाइम सर्दी मिल जाती है, गर्मी के टाइम गर्मी मिलती है, तो इसलिए बहुत लोग यहाँ पर बसना चाहते हैं। इस दृष्टि से जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने सोलन नगर की संपूर्ण जनता की जो है वो मांग थी अनेकों वर्षों से, जैसे आपने यहाँ भी देखा होगा संघर्ष समिति बनी है, पहले जो नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने बनाई थी, फिर हमारी राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं उन्होंने भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल हैं, यहाँ के ज़िला है, उन सबकी जो है ये मांग थी, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो अपनी दूरगामी सोच के कारण जो है वो इसे पूरा किया है। और वैसे भी नगरों में इस बार का जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उसमें जो शहरें हैं, शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, उसके लिए एलोकेशन ज़्यादा हैं, तो इस दृष्टि से जहां पर शहरीकरण हो गया है उसको जो है वो प्रॉपर दर्जा मिल जाए, ताकि मकानों का भी आप जो है वो सिस्टम से जो है बनाने का एक सिस्टम बन जाए। शिमला में हमको जो है इस बात का जो है देखने को मिला है कि वहाँ पर नगर निगम जहाँ तक था, नगर परिषद थी शुरू में, तो वहाँ पर तो अंग्रेज़ों के टाइम भी नक्शा बनता था, वो अलग किस्म का नक्शा होता था, लेकिन जो उसके बाहर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो गई, उसके कारण अब हमको बहुत मुश्किलें आ रही हैं, रिटेंशन पॉलिसीज लानी पड़ती हैं, हैफजर्ड बन गया है कई स्थानों पर, तो लेंटर के ऊपर चल कर के लाशें जो हैं वो ले जानी पड़ती हैं, तो इसलिए सोलन और बाकी शहरों में ऐसा ना हो, इसलिए ये वक्त की आवश्यकता थी कि हम इसका जो है वो प्रॉपर दर्जा दे करके नगर परिषद को जो है वो इसके ठीक प्रकार से जो है बना सकें।